फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मिरर, हार्ट शेप में मिरर कैसे बनता है, क्या क्या उसमें लगता है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने मिरर लिया है छोटी साइज में, और ये दो रिंग ली है, इसमें सात सात नंबर की रिंग है इसी साइज में, और कुछ मैंने ये वायर लिया है येल्लो कलर का, ये देखिए 1.5 मैंने ये वायर लिया है, और कुछ नहीं इसमें ये बेल्स मोती लिए हैं मैंने कुछ इस कलर में। मैंने ये मोती, जितना वायर होगा इतना इसमें मोती लगेंगे, और बिल्कुल सिंपल तरीका, बिल्कुल इसमें न्यू डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अब सबसे पहले मैंने ये वायर लिया है, सबको उठा के एक रिंग में इसमें वायर डालना होता है। ये देखिए, एक रिंग मैंने ले ली, इसमें सबसे पहले मैं वायर डालूँगी। ये देखिए, डबल करके एक एक वायर को डबल कर करके इसमें डाल देना है रिंग में। ये देखिए इस तरीके से, जितना इसमें वायर, ये रिंग आए, वायर आएगा इतना इसमें डाल दूंगी मैं। 26 वायर कट किया है मैंने। मैंने पूरा वायर इसमें डाल के तैयार कर लिया। ये देखिए, पूरे में ये वायर पूरा कवर कर दिया मैंने, और अभी इसमें मैं सीसा सेट करूंगी। ये जो मैंने हेड शेप में सीसा लिया है, ये इसको सेट करूंगी। सबसे पहले मैंने ये गत्ता, हम चाहे तो लगा सकते हैं नहीं भी, लेकिन ये उसकी सेफ्टी के लिए ये गत्ता ठीक रहता है। सबसे पहले मैं ये रखूंगी नीचे, क्योंकि ये पीछे रहेगा, पीछे रहेगा तो फिर इसमें दीवार उवार में कभी गलती से लग भी जाए तो ये सेफ रहेगा सीसा। फिर इसको मैं ये सीसा रखूंगी। सीसा रखने के बाद में हम इस पर ये रिंग रखेंगे। रिंग रखने के बाद में जो नीचे मैंने वायर सेट किया है, ये देखिए वायर सेट किया है, इसमें पाइपिंग निकालेंगे हम, जैसे और पाइपिंग निकालते उसी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से इसमें मैं दो दो इसमें पाइपिंग निकाल दूंगी चारों तरफ। तो ये पूरी रिंग को जैसे मैंने कवर नीचे की है, ऐसे ही मैं अभी ऊपर वाली, ये देखिए ऐसे वायर पूरा इसमें इसको सेट करके फिर मैं इसमें डिजाइन बनाऊंगी। डिजाइन बनाने का तरीका आपको मैं बताऊंगी, बहुत सिंपल डिजाइन है और बहुत सुंदर लगती है बनने के बाद भी। देखिए इस तरीके से पूरा वायर अभी ऊपर वाली रिंग में, तो बीच में अच्छे से सेट हो जाएगा ये मिरर इस तरीके से। ऐसे ही मैं जितनी रिंग है, जैसे मैंने नीचे की सेट किया है, ऐसे ही मैं पूरे में इस तरीके से ये पाइपिंग निकाल निकाल के और पूरा सेट कर दूंगी। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। अभी देखिए फ्रेंड, इसमें मैं अभी इसमें ये डिजाइन जैसे कैसे बनती है, चारों तरफ मैं ये डिजाइन दूंगी। डिजाइन देने का तरीका बिल्कुल सिंपल तरीका, ये देखिए चार वायर पकड़ना इस तरीके से, चार वायर पकड़ के और इस तरीके से इसमें मैं नोट्स लगाऊँ। फर्स्ट नोट्स इसमें थोड़ा सा लूज लगाना है, क्योंकि इसको हम वापसी ये डिजाइन देने के लिए ऐसे, ये देखिए इसमें चार नोट्स लगाऊंगी मैं इस तरीके से। ये देखिए चार नोट्स इसमें लगा के, जो बीच वाले दो वायर हैं, बीच वाले दो वायर को इधर से पकड़ के इसी में से इसमें वापसी निकालना है मुझे। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे इसको वापसी निकाल दूंगी मैं, वापसी निकाल के अच्छे से खींच के, अरे दो जो साइड में बाकी रह गए इससे पकड़ के फिर से नोट्स लगा देना इधर। तो बहुत सुंदर, छोटा सा क्यूट सा, बहुत सुंदर लगेगा ये।
फिर ऐसे देखिए, ये मेरा ऐसी डिजाइन चारों तरफ मैं एक एक लाइन लेके जाऊंगी, फिर इनके बीच में एक एक यही डिजाइन फिर से बनाऊंगी। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीका है इसका। ऐसे चार पकड़ो और फर्स्ट नोट इसमें इस तरीके से थोड़ा सा इधर गैप छोड़ दो, ज़्यादा नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा छोड़ना है, और फिर इसको लगा कर आगे वाले फिर अच्छे से लगाना है। ये देखिए इस तरीके से, इसको बिल्कुल सिंपल तरीका है, कोई इसमें डिजाइन नहीं है। जिसको नोट्स लगाना आ गया वो कोई भी ये मिरर बना सकता है, और बनने के बाद में सुंदर भी लगता है। ये देखिए इस तरीके से, अब ये बीच वाला पकड़ के दो वायर और इसमें इस तरीके से, ऐसे इसको खींच के और इसमें नोट्स लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से मैं पूरे ये चारों तरफ नोट्स लगा दूंगी, जितना भी वायर है। अभी देखिए एक एक मैंने ये डिजाइन की लाइन पूरी दे दी, और सेकंड इसमें करना क्या है, ये देखिए बीच वाला वायर दो इसमें से पकड़ के और इसमें नोट्स लगाऊंगी मैं। जैसे इसमें लगाया वैसे ही मैं इसमें नोट्स लगाऊंगी इस तरीके से। ये देखिए चार चार नोट्स मैंने इसमें लगाया, चार चार इसमें लगाऊंगी, और फिर जैसे इसको फोल्ड किया है वैसे ही मैं इसको कर दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीका है इसको, जिसको नहीं आता है सिर्फ नोट्स लगाने आते हैं वो भी बना सकते हैं इसको। देखिए चार नोट्स लग गए, तो ऐसे इसी तरीके से बीच वाला वायर पकड़ के और इसमें से ऐसे निकाल के, और ये डिजाइन ऐसे बना देनी है, और इधर ये नोट्स लगा देना है। इस तरीके से इधर से जितने भी ये गैप है इसमें पूरे में, ये देखिए इस तरीके से ये गैप था इसमें, ये बना चुकी मैं। और अभी इसमें ये दोनों में एक एक बन गया, तो दो इसमें से पकड़ना है और दो इसमें से, और ये देखिए इस तरीके से सिर्फ इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं, सिर्फ नोट्स लगाने हैं, सीसा सेट करना है, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ये देखिए चार नोट्स हो गए, अभी बीच वाले दो वायर पकड़ के और इसमें से निकाल देना है। अभी चारों पकड़ के एक नोट्स लगा देना है इधर, ये नोट्स अच्छे से लगाना है खींच के, क्योंकि इसकी फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाए। ऐसे ये देखिए इस तरीके से जैसे मैंने ये लगाया है ऐसे ही मैं पूरा ये लगा के और पूरा तैयार कर लूंगी। अभी देखिए फ्रेंड ये पूरा मैंने ये डिजाइन बना के इसमें तैयार कर दिया, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद में। और अभी देखना ये जैसे एक्स्ट्रा वायर है इसमें, ये एक्स्ट्रा वायर बच गया, इसका हम क्या करेंगे,
इसको कट करके, ये देखिए इस तरीके से इतने इतने इसको कट कर देंगे, और फिर पीछे इसमें लाइटर की मदद से हम पीछे चिपका देंगे इसको। देखिए इस तरीके से पूरा जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे कट करके और लाइटर की मदद से इसको पीछे चिपका देंगे। देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको गर्म कर करके इस तरीके से पीछे चिपका दूंगी मैं इसको। जितना भी वायर है इतना ऐसे ही मैं पूरा लाइटर की मदद से इसमें पीछे चिपका दूंगी। पीछे चिपकाने के बाद में इसकी बहुत सुंदर फिनिशिंग आएगी, बहुत सुंदर लगेगा ये। और ये जो पीछे की साइड है इसको हम ऐसे इस तरीके से टांगेंगे, तो इधर मैं इस टांगने के लिए दो इसमें डिजाइन बना दूंगी, थोड़ा उत्साह बना दूंगी इसमें। अभी देखिए फ्रेंड मेरा ये मिरर पूरा बनके तैयार हो गया। ये देखिए बनने के बाद में कितना सुंदर लग रहा है ये। ये देखिए हैंग करने के लिए मैंने ये ऊपर इसी में से वायर थोड़ा बचा था उससे मैं हैंग करने के लिए रिंग वगैरह कुछ नहीं यूज करी। इस तरीके से इसी में डिजाइन बना के ये दो इसमें बेल्स लगाए, एक मोती लगाया, कुछ नहीं इसमें सिर्फ वायर लगाया है। 1.5 वायर लिया था, फिक्स इसमें रहता है, ज़्यादा नहीं बड़ा रहता है, छोटा रहता है। देखना कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद में। अगर फ्रेंड आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं फिर से समझाऊंगी अच्छे से। थैंक यू।